हेलो गाइस, तो आज मैं आ चुका हूँ अपने जू में। तो आपको जू का माहौल चेक कराते हैं। ये देखिए, ये है मेरा जू। और अभी मैं आपको ना सबसे पहले आज मैं निकालने वाला हूँ अपने रैबिट्स को, क्योंकि ना मुर्गों को निकाल देता हूँ पहले, और मुर्गे सारे ना तंग करते हैं, वो इन्हें कुछ नहीं खाने देते, इनका चारा सारा वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ना, और अभी मैं लेकर आया हूँ अपने रैबिट्स के लिए। चेक करें, ये देखें गाइस। तो ये मेरा एक रैबिट्स ना बाहर आया हुआ है, तो आपको ये दिखाता हूँ अभी। ये देखें जी, ये है जी मेरा रैबिट्स। तो ये रैबिट्स गाइस, तो ये बाहर ही रहता है, ये उनके साथ इसकी नहीं बनती, तो ये इसे मारते हैं, इसलिए ये बाहर ही रहता है, ये वाला रैबिट्स। तो आपको ना इसको अभी डालते हैं चारा, आपको दिखाते हैं ये अकेला कैसे खाता है। तो अभी मैं डालने वाला हूँ इसे थोड़ा सा चारा, अलग सबसे अलग ये आ गया चारा इसके लिए। इधर आ जाबे, यहाँ पर खाएगा, ये खाएगा यहाँ पर अलग आके। चलो भाई खाए, ये देखें ये भाग गया वहाँ पर, इसने नहीं खाया। इसे कहीं और डालते हैं जहाँ पर ये बैठ सकता है, खा ले यार खा ले। चलो जी इसे यहाँ डाल देते हैं, अभी खा लेगा अकेला। और उसके बाद अभी निकालते हैं अपने रैबिट्स को। ये देखें जी, उनके लिए मैंने केले के छिलके और साग तोड़ के लाए हैं। अभी इनका दरवाज़ा करते हैं ओपन। तो अभी यहाँ पर इस चारे में इन करते हैं ऐड। ये देखें गाइस, अभी हमारे रैबिट्स आने लग आ जाएंगे बाहर, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हो गया रेडी। और अभी हमारे, ये देखें हमारे रैबिट सारे दरवाजे के ऊपर बैठे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखें कैसे बैठे हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं बाहर आ जाएं। तो अभी रैबिट्स डरे हुए हैं, अभी तक बाहर नहीं आए, पता नहीं वजह क्या है, क्यों नहीं आया। लेकिन इतना टाइम कभी नहीं लगाया, जब भी इनके सामने कुछ रखे तो ये फौरी बाहर आ जाता है। तो देखे जी गाइस, अभी एक रैबिट्स की एंट्री हो चुकी है, चेक करें गाइस, ये एक रैबिट्स आ चुका है, अभी बाकी भी आएंगे। लो जी, दूसरा रैबिट्स भी आ गया, और उसके पीछे तीसरा भी, अभी एक बाकी है, और अभी उसने भी आ जाना, अभी एक आधे मिनट में वो भी आया, वो भी दरवाजे के ऊपर ही बैठा है, तो पता नहीं बाहर क्यों नहीं आ रहा। लो जी, तो चौथे की भी एंट्री हो चुकी है। तो ये देखे कितने मजे से ये खा रहे हैं, बहुत ही मजे से ये खाते हैं। हाँ जी गाइस, तो हमने रैबिट्स निकाल लिए, और उसके बाद अभी मैं निकालने वाला हूँ अपने कबूतरों को। तो अभी इन सब को बाहर निकालते हैं। हाँ जी आ जाए बाहर, आ जाए सब आ जाए। दरवाजा ओपन कर दिया, तो अभी एक ही मिनट लगेगा और ये सारे ही बाहर आ जाएंगे आपके सामने। आ जाए आ जाए, ये देखें ये हमारे कबूतर आ चुके हैं बाहर। तो अभी कबूतरों को डालते हैं, हम डालने वाले हैं, ये देखें जी मक्की डालने वाले हैं, ये बड़े शौक से खाते हैं। तो अभी डालते हैं जी इनको मक्की सबको। ये देखें कितने, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, तो कितने प्यार से ये खा रहे हैं मक्की, बड़े शौक से खाते हैं हमारे कबूतर भी। तो सारे अभी बाहर नहीं आए, दो अभी अंदर है, एक बच्चा भी बैठा है अंदर ही बैठा है वो। उसके बाद इनको डालने वाले हैं जी हम बाजरा। तो अभी लेने जाते हैं बाजरा, और अभी हम इनको डालेंगे बाजरा। कहाँ गया बाजरा, ये बड़ा जी हमारा बाजरा। ये देखें जी गाइस, तो हमारे पास अभी बाजरा मैंने ले लिया है, अभी इनको डालने वाले हैं बाजरा। मक्की भी हमारे पास कुछ और पड़ी है, लेकिन अभी इनको डालते हैं बाजरा। ये देखें जी अभी कैसे ये शौक से खाएंगे। और मक्की वाले रैबिट्स भी बड़े शौक से खाते हैं, ये अभी यहाँ से फ्री होकर जाएंगे वहां पर, जो मक्की खाएंगे उनके साथ, क्योंकि मक्की खाने का इन्हें भी बहुत ज्यादा शौक है।
तो चेक करें हमारे कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं अभी सब। चेक करें हमारे रैबिट्स कितने प्यारे लग रहे हैं आज। ये देखें जी रैबिट्स। और उसके बाद मैं निकालने वाला हूँ जी अपने डक्स को। तो ये है जी हमारी डक्स। ये देखें ये कितनी बेताब है। तो अभी ये बाहर आने वाली है। आ जाए आ जाए आ जाए। ये तीन है, पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा चार थी, लेकिन एक भाई की मिस्टेक की वजह से एक हमारी डक्स को डॉग लेकर चला गया है, तो इसलिए हमारे पास अभी तीन ही डक्स बची हैं, चार नहीं है। तो ये सब बड़ी मिस करती हैं उसे भी। तो अभी मैं दरवाज़ा कर देता हूँ बंद, क्योंकि इसी दरवाज़े की वजह से हमारी एक डग गायब हो चुकी है। दरवाज़ा ओपन रह चुका था और डक्स को डॉग ले गया। उसके बाद हमारे पास है जी ये जोड़ा है। इन्हें हमने कभी बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ना ये अभी यहीं पर रहते हैं। बाहर नहीं निकालना क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और इनके पेयर बनाने हैं। सर्दी में इनकी ब्रीड लेनी है सबकी। तो उसके बाद एक ये पेयर है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर मोर है हमारे पास। ये एक जोड़ा मोरों का है। तो अभी इन सबको हमने कैद ही रखा है, बाकी सबको हमने निकाल दिया है। हाँ जी गाइस, हमने सारा कुछ निकाल दिया, जितने हमारे बर्ड्स है सबको निकाल दिया। और अभी एंड पे जो रह चुके हैं वो हैं जी हमारे कुकड़ियाँ, वो इस रूम में। तो अभी सारी रह जाती है, उनको निकालते हैं। आ जाएं जी बाहर आ जाएं। ये देखें जी हमारी, अभी हमारी सारी मुर्गियाँ बाहर आ जाएंगी। आह तो देखें गाइस, अभी हमारी सारी मुर्गियाँ बाहर आने वाली हैं। ये देखें, और इनको डालते हैं यहाँ पर मक्की। तो ये बड़े शौक से खाती हैं जी, तो दिखाते हैं आपको। साथ में जी बाजरा, ये भी डालना इन्हें आज। ये देखे जी, मक्की और बाजरा डाल दिया इनको, और ये सब अभी यहीं पर खाएंगी उनके साथ। और बाकी के हमारे जितने भी हैं रैबिट्स और बतखें वगैरह, वो सारे कबूतर वगैरह वो यहाँ पर घूम रहे हैं, और मोर हमें आ रहे हैं अभी बंद हैं वहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर चिड़ियाँ भी आती हैं, बाजरा वगैरह बड़े शौक से खाते हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर बर्ड आके आसानी से खा सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी जाल के। तो ये देखें हमारे सारे मुर्गियाँ यहाँ पर हैं, और अभी इनको यहाँ पर भी बाजरा डालते हैं ताकि इन्हें भूख लगे तो आराम से खा सके। तो हमने इनको काफ़ी, इनके लिए बाजरा ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकदार में यहाँ पर बाजरा डाल दिया, ताकि जहाँ इनका दिल करे वहाँ ये सुकून से खाएं। ये देखिए